आज़ादी के नज़रियात और मकासद के मुताबिक मुल्क का निज़ाम बना रहे हैं। कश्मीरी भाइयों को भी आज़ादी मिले ताकि तकसीम की तकमील हो सके। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से आगाह करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 73वें जश्न आज़ादी पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में कहा कि कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कायद के नजरिए पर अमल पैरा होने के लिए अहद करने और वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। कौम के बेटों ने इस धरती और इसके नजरिए के दिफा के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल में हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा। हमने अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर जंग लड़ी है। हमारी कौम ने हमसाया मुल्क की दुश्मनी दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। कुदरती आफात वबाई अमराज का भी हमारी कौम ने हमेशा इस्तकामत से मुकाबला किया। आज हम अहद करते हैं कि साबित कदम रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हम इत्तेहाद ईमान और तंजीम की मशाल राह से हर चैलेंज का डटकर मुकाबला करेंगे। इस मुल्क में ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाएंगे जो आज़ादी के नजरियात और मकासद के मुताबिक। एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कानून की हुक्मरानी बरकरार है। हमने रियासत मदीना को अपना रोल मॉडल मुंतखब किया है। कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि यौम आज़ादी के दिन हमारा दिल भारतीय मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों के दुख में गमजदा है, जहाँ गुज़िश्ता एक साल से फौजी मुहासरा जारी है। हम हक़ खुद इरादियत की जिदोजहद में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और हर फोरम पर अपनी कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।